हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम बात करेंगे कि हमें किसका ऑनलाइन कोर्स परचेज करना चाहिए, बायोमेंटर्स या BW। अगर आपने कोर्स पहले से किसी का भी ज्वाइन कर लिया है तो गुड लक, और अगर आप स्टिल कंफ्यूज हैं कि हमें किसका कोर्स ज्वाइन करना चाहिए तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा, आप उनको कंपेयर करके देख लेना कि आपको किसका कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। और वीडियो के एंड में मैं अपना खुद का भी 4 ईयर का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि आपको किसका कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना कि हमें किसका कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, लेट्स स्टार्ट इट। नंबर 1, फीस। किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने से पहले हमें उनका फीस स्ट्रक्चर बताना चाहिए कि कैसा है। तो बायोमेंटर की फीस है 6630 रुपये, और ओल्ड कमांडोज के लिए फीस होती है 1500 रुपये घटाकर 5130 रुपये, और बुक्स के अलग पैसे हैं। और वहीं बात करें हम PW की, तो उसकी फीस है 4200 रुपये और इंक्लूडिंग बुक्स है 7000 रुपये। पॉइंट नंबर 2, तो किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने से पहले हम ये भी देख लेते हैं कि वहाँ के टीचर्स यानी कि फैकल्टीज कैसे हैं। तो बायोमेट्रिक्स की बात करें तो इसमें है बायो के टीचर्स शैल मैडम, जितेंद्र सर, केमिस्ट्री में संजय सर, फिजिक्स में हैं अमर सर, जावेद सर एंड अदर एक्स्ट्रा टीचर्स। और वहीं हम PW की बात करें तो यहाँ पर है वेरी लार्ज नंबर ऑफ टॉप फैकल्टीज़। तो फिर भी हम कुछ फैकल्टीज़ की बात कर लेते हैं जो टॉप हैं, जैसे कि जूलॉजी में है मनीष दुबे सर, बॉटनी में है तरुण सर, फिजिकल केमिस्ट्री के टीचर हैं सर्वेश सर, ऑर्गेनिक के टीचर हैं पंकज सर, और इनऑर्गेनिक के टीचर हैं MD सर यानी कि मोहित धाजीत सर। पॉइंट नंबर 3, टीचिंग एक्सपीरियंस एंड अचीवमेंट्स। तो बात करें बायोमेंटर्स की, तो जितेंद्र सर का टीचिंग एक्सपीरियंस है 20+ ईयर्स का, और संजय सर का भी 20+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, जावेद सर का भी 20+ ईयर का एक्सपीरियंस है। और अगर वहीं हम बात करें PW की, तो मनीष दुबे सर का टीचिंग एक्सपीरियंस है +14 ईयर्स का, और वो फॉर्मल सीनियर फैकल्टी रह चुके हैं आकाश इंस्टीट्यूट दिल्ली के और सर्वोत्तम इंस्टीट्यूट कोटा राजस्थान के। उन्होंने मेंटर किया है 2 एंड डबल डिजिट रैंक्स। सर्वेश सर का टीचिंग एक्सपीरियंस है +16 ईयर्स का, और उन्होंने मेंटर किया है बहुत सारे डबल और सिंगल डिजिट रैंक इन ITJEE एग्ज़ाम। मोहित सर का टीचिंग एक्सपीरियंस है +8 ईयर्स का, और वे सीनियर फैकल्टी रह चुके हैं LN और सर्वोत्तम इंस्टीट्यूट राजस्थान कोटा के। उन्होंने मेंटर किया है AIR 9, 13, 14, 33, 42 एंड मैनीमोर। पंकज सर का टीचिंग एक्सपीरियंस है 10+ ईयर्स का, और उन्होंने मेंटर किया है AIR 3, 6, 14, 29, 32। तरुण सर का टीचिंग एक्सपीरियंस है +12 ईयर्स का, और MR सर का टीचिंग एक्सपीरियंस है +15 ईयर्स का। पॉइंट नंबर 4, टेस्ट। तो बात करें बायोमेंटर्स के टेस्ट की, तो इनके वीकली 2 टेस्ट होते हैं, एक वेडनेसडे को एक सैटरडे को, और PW का टेस्ट 10 to 14 डेज में एक होता है। पॉइंट नंबर 5, डाउट। बात करें बायोमेंटर्स में डाउट की, तो डाउट के 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं, एक तो आप फ्रेंड्स में डिस्कस कर सकते हो, दूसरा टीचर से पूछ सकते हो। फ्रेंड्स में डिस्कस करने के लिए आपको कोई फ़ी नहीं देनी पड़ेगी, लेकिन टीचर से पूछने के लिए आपको फ़ी देनी पड़ेगी उसकी अलग से। और PW में डाउट का ऑप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब कि आपकी फ़ीस में जो स्टार्टिंग में दी थी उसी में सब कुछ इंक्लूड है, आपको एक्स्ट्रा कोई पे नहीं करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 6, टेस्ट कंटेंट। बायोमेट्रिक के टेस्ट में आपको कई क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आउट ऑफ NCERT हैं, और वही बात करें हम PW में, तो आपको शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो आउट ऑफ NCERT है, वो स्ट्रिक्टली उनके टेस्ट NCERT बेस्ड रहेंगे सारे, और टेस्ट एक्सप्लेनेशन दोनों का ही सही है। पॉइंट नंबर 7, मॉक टेस्ट। तो यार बायोमेंटर में सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है कि इनके जो ऑनलाइन मॉक टेस्ट होते हैं उसमें कभी 180 से ज़्यादा क्वेश्चन आए ही नहीं। मैंने 2018 में ज्वाइन किया था, 2022 होगी, अभी तक मैंने इनके टेस्ट दिए जितने भी ऑनलाइन मॉक टेस्ट, उसमें हमेशा 180 क्वेश्चन होते हैं 180 मिनट में। और मैंने इनकी सपोर्ट टीम को भी फ़ोन करके बोला था कि सर आप 180 क्वेश्चन को 200 में कन्वर्ट करो, क्योंकि एग्ज़ाम 200 क्वेश्चन का आता है ना कि 180 क्वेश्चन का, लेकिन फिर भी इन्होंने कुछ चेंज नहीं किया उसमें भी ना। लेकिन PW में ऐसा नहीं है, वो NTA की हर गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, जैसे कोई भी नया रूल आता है उसको तुरंत फॉलो करते हैं, जैसे कि अभी आया था कि पेपर 200 मिनट में होगा, तो इन्होंने भी 200 मिनट कर दिया था 180 को ख़त्म करके। पॉइंट नंबर 8, बैच। बात करें बायोमेंटर की, तो बायोमेंटर में आप एक पेमेंट करके एक बैच ले सकते हो, जबकि PW में आप एक पेमेंट करके एक से ज़्यादा बैच आपको मिल जाते हैं। पॉइंट नंबर 9, क्रैश कोर्स।
हम बात करें बायोमेडिकल के क्रैश कोर्स की, तो यह है 2950 का और इसका अमाउंट वेरी कर सकता है बाद में। और वहीं हम बात करें VW के क्रैश कोर्स की, तो यह 1800 रुपये का है और इसका अमाउंट भी चेंज हो सकता है। पॉइंट नंबर 10, सपोर्ट टीम तो दोनों की सही है, लेकिन बायोमेडिकल में कभी कभी सपोर्ट टीम हमारी बात को सुनती नहीं है या फिर इग्नोर कर देती है। एक्स्ट्रा बेनिफिट, PW का एक एक्स्ट्रा बेनिफिट ये है कि एग्ज़ाम से एक मंथ पहले उम्मीद सीरीज चालू हो जाती है, उसको कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकता है और आपको उसमें सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। माई सजेशन, अगर आप नए हो तो यार मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि इस बैच को ज्वाइन कर लो, लेकिन आपने एक दो बार बायोमेडिकल से पढ़ रखा है ना, तो मैं कहूँगा कि आप PW को ज्वाइन कर लो, क्योंकि उसके टीचरों का लेवल यार अलग ही है। आप एक बार पढ़ के देखना MR सर से, तरुण सर से, मनीष दुबे सर से और MD सर से, पंकज सर से, तब यार सोचना कि मैं ये क्यों कह रहा था कि आप एक बार ट्राई करके देखो ना। तो थैंक यू गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ये मेरा मोटिवेशन बढ़ाता ताकि मैं आपके लिए नए से नए इंपॉर्टेंट कंटेंट लेके आऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।